नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रीवा में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के दिए निर्देश। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, हर 3 महीने में परामर्शदात्री समिति की हो बैठक। और ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने की विद्युत वितरण कंपनियों की बैठक में गतिविधियों की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की सड़कों के रखरखाव की कार्य योजना बनाई जाए और ज्यादा बारिश के कारण खराब हुई सड़कों को सबसे पहले सुधारा जाए। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह और मुख्य सचिव एंटोनी डिसा भी मौजूद थे। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रीवा जिले में आई बाढ़ के बाद किए गए राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम में ध्यान दें। मच्छर पैदा होने वाली जगहों और उनको फैलने से रोकने के लिए दवाइयों का निरंतर छिड़काव कराया जाए। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अब हिंदी में भी परीक्षा दे सकेंगे। ये सुविधा इसी शैक्षणिक सत्र में मिलेगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी के निर्देश पर हिंदी दिवस के पहले राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं। इस दौरान मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि इससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को सहूलियत होगी। ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने आज एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य की बिजली उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन और तीनों विद्युत वितरण कंपनी के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में किसानों को 10 घंटे बिजली की आपूर्ति हमारी प्राथमिकता है। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि हर 3 महीने में परामर्शदात्री समिति की बैठक हो। इस संबंध में एक परिपत्र जारी कर सभी विभाग और कलेक्टर को सूचित किया जाए। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रीवा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने 10 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन भी बांटे। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खाना बनाने में महिलाओं को धुएं से होने वाली परेशानी को सरकार ने समझा है। धुएं से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMH TV की सारी खबरें वेबसाइट के साथ साथ एंड्रॉइड ऐप पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।